अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है जनाब? सुबह हो चुकी है, संडे का दिन है और आपको जैसे पता है कल की वीडियो में आपने देखा होगा बेगम साहिबा से नाराज़गी है, झगड़ा चल रहा है हमारा और वो अच्छी खासी नाराज़ है मुझसे। और ऐसी नाराज़ है कि रात को खाना नहीं बनाया, बच्चों ने जो पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आया मैं बच्चों के लिए वही खाया था, उसी से जो है रात का गुजारा किया, बाकी कोई खाना वाना नहीं था। तो सुबह रात को काफ़ी मैंने कोशिश की मनाने की, बाद में देर से मैंने कहा चलो अब झगड़ा वगड़ा ख़त्म करते हैं, बच्चे भी सुबह संडे का दिन है बच्चों को लेके कहीं जाएंगे, तो नहीं नहीं मानी। अभी सुबह उठा हूँ तो मुझे आवाज़ आई है कि उठ जाओ नाश्ता तैयार है, तो मैं उठा फ्रेश हुआ और आया तो यहाँ दस्तरखान लगा हुआ है, अरीज भी उड़ चुका है और साइम अभी तक सो रहा है, जिसको उठाते। साइम, ओ साइम भाई खड़े हो, चलो चलो शाबाश। तो अभी नाश्ता करने बैठते हैं, मुझे कहा नाश्ता कर लो तो देखते हैं क्या है हमारे लिए। और ये देखे क्या बनाया है, ये हाफ फ्राई अंडे को क्रश कर दिया है और रोटी कड़क कर दी है और चाय है और ये केक है। ये क्या बनाया है पता है ना? ये नहीं खाता हूँ मैं हाफ फ्राई पूरा जो साबुत होता है वो खाता हूँ। अभी तुमने क्रश क्यों कर दिया? लेकिन दर्दी टूट गई थी, दर्दी टूट गई थी इसलिए मैंने ये बना दिया। और अगर आपको खाना है तो आप खुद जाके बना सकते हो, खुद जाके बना लो। नहीं मैं खा लेता, देखो अभी बनाया भी है तो ये वाला बनाया जो मैं नहीं खाता हूँ। दर्दी टूट गई थी तो हाफ फ्राई कैसे बनेगा? चलो सही है, सही है, चलो ठीक है। चले भाई नाश्ता करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारे लिए कैसा बनाया है, पहले अज्जू से ट्राई करवाएंगे फिर मैं खाऊंगा। हाँ तो ये भी अंडा ही होता है, खाने का ही होता है, इंसान इसे भी खाते हैं। हाँ खा ले, मेहरबानी आपकी। चले अज्जू बिस्मिल्लाह करें। चले भाई नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और आज का प्लान बताते हैं क्या करना है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। एक तो थर्मोस भी तोड़ दिया मेरा, कल लड़ाई थर्मोस के ऊपर हुई थी, मैं थर्मोस तोड़ तो दिया। मैंने जानबूझ के तोड़ा था, इतना अच्छा थर्मोस मेरा वहां तोड़ दिया, रखा किसने था? बच्चों ने रख दिया होगा, डिग्गी देख कर तो खोले कि कुछ ऊपर पड़ा होगा। तवागन गिर गया ना, और को मैंने मुझे ये जानबूझ। थर्मोस तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो थर्मोस दिला रहे थे, वो थर्मोस के लिए कल से तुमने खाना नहीं बनाया, चली गई। अरे भाई चुपचाप खा लेते हैं, गनीमत है, मिल तो रहा है ना नाश्ता, कल तो कुछ भी नहीं मिला था। अरे उर्वा उर्वा देखो उठी है, मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया है, फ्रेश नहीं हुई है, मेली मेली आके बैठ गई है, अभी नहाने जाएगी। भाई गनीमत है नाश्ता मिल तो रहा है, वरना नाराज होती है बीवियाँ तो 8 दिन तक कुछ नहीं मिलता। जो शुक्र है इसने अंडा तो बना दिया, चलो पसंद का नहीं बना तो दिया है, वरना अभी बोलती जाके खुद बनाओ या नहीं देती नाश्ता के, सुबह जाओ बाहर से लेकर आओ, खाना है तो मरो भाड़ में क्या करते है? नाश्ता करते हैं और फिर इसको लेके बाहर चलते हैं ताकि इसका पारा ठंडा हो जाए और ये जो है खामोश हो जाए, लेवल पे आ जाए, पटरी पे आ जाए, वरना तो आज रात को भी खाना नहीं मिलेगा, कल सुबह भी नहीं मिलेगा। चलो भाई नाश्ता करते हैं। जी तो भाई साहब नाश्ता वगैरह हो गया, सब कुछ रेडी है और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, बेगम का मूड भी थोड़ा बेहतर है क्योंकि बाहर जाने का बोल दिया। अब मैं देख रहे हैं आप, मैं रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो गया हूँ और हमने सामान वगैरह भी सारा बांध लिया है। बेगम ना ना करके भी मुझे पता नहीं था, लेकिन इसने देखो खाना बना लिया है, देखें इसने आलू गोश्त का सालन बनाया है, साथ में चावल है। और मैंने बेगम से कहा कि आप एक काम करें कि खाना हम लोग साथ ही ले लेते हैं और बाहर कहीं जाके खाते तो थोड़ा पिकनिक भी हो जाएगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने सामान भी सारा बांध लिया है, ये देख रहे हैं आप, सामान भी हमने सारा बांध लिया है, तो बस अब निकलते हैं और कहीं चलते हैं पिकनिक के लिए। वो कहाँ जाते हैं रास्ते में डिसाइड करते हैं, क्योंकि कराची के करीब करीब ही रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ी सी ड्राइव भी हो जाए, जगह भी अच्छी हो। तो एक जगह मेरे जहन में है, रास्ते में आपको बताता हूँ। तो मैं अभी निकल रहा हूँ गाड़ी निकालने के लिए, ये लोग नीचे आ जाएंगे और फिर हम लोग सब चलते हैं पिकनिक पे, आप भी हमारे साथ चलिए। वो कहाँ जाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, तो देखते रहिए वीडियो को और मैं कोशिश करूंगा कि मैडम का मूड अच्छा ही रहे, ख़राब ना हो, इसलिए कोई अच्छी जगह ही जाएँ और जल्द से जल्द वापस आ जाएँ ताकि
कल स्कूल भी है बच्चों की, मंडे का दिन होगा कल, आज संडे है तो हम चलते हैं पिकनिक करते हैं, तो देखते रहिए वीडियो। चलो साहब रेडी हो जाओ फटाफट, मैं उतर रहा हूँ गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम लोग उतरो सही है, मैं कॉल नहीं करूँगा, तुम लोग उतरो, मैं कॉल नहीं करूँगा, तुम लोग उतरो बस फटाफट। अच्छा चलो फिर जल्दी आ जाना, मैं नीचे ही हूँ सही है। चले भाई मिलते हैं रास्ते में। जी तो भाई साहब निकल चुके हैं घर से और इस वक्त हम शारा फैसल पर हैं और हम जा रहे हैं पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम पे एक बीच है और उसका बीच का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ एक दरगाह शरीफ है जिसका नाम है हसन शाह, तो उसके साथ एक बीच भी बना हुआ, मज़ार के अहाते में बीच है, तो पानी के साथ ही है बिल्कुल दरगाह, तो बहुत खूबसूरत वाइब आती है, तो मज़ार शरीफ पे भी सलामी हो जाएगी और वहाँ पे बीच है, वहाँ पे थोड़ा इन्जॉयमेंट भी कर लेंगे और ज़्यादा दूर भी नहीं है, पिकनिक पॉइंट करीब ही है तकरीबन, पोर्ट कासिम कितना 1 घंटे का रास्ता है। तो हम घर से निकल चुके हैं, सामान वगैरह सब साथ है हमारे और बेगम की नाराज़गी भी अब ख़त्म हो चुकी है। क्यों बेगम? हाँ मोबाइल पकड़ लिया है मैंने, मोबाइल पकड़ लिया है इन्होंने, वरना अभी मैं गाड़ी चलाते हुए यूँ यूँ करके बात कर रहा होता, तो ये माशाल्लाह सही है, समझ गई है, अब जाहिर है कहाँ जाएगी, कौन सुनेगा इसकी इतनी बातें और फिर कौन इसको घुमाएगा फिराएगा, है ना, तो इसको तो मानना ही है। हाँ मैंने भी सोच लिया कि क्या करना है, अभी रहना तो इसी के साथ है, भुगतना तो इसी को है मुझे, देख लिया भुगत रही है मुझे, तो अब बस चल रहे हैं हम और थोड़ी देर में इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पोर्ट कासिम तक तो रास्ता मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, उसके आगे का रास्ता आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह पहुँचते हैं, जिन साहब को नहीं पता हो, जो लोग नहीं जा गए हो तो उनको पता चलेगा किस तरह का रास्ता है। तो आज की पिकनिक इस तरह मनाएंगे और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह मेरे साथ हैं, सब खुश हैं, रात को इन्होंने खूब पार्टी की है, पिज्जे खाए और मौसम तो बहुत मौसम औसम हो रहा है, ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है और बहुत ठंडी हवाएं भी बाहर चल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बस मौसम को देख देख के ऐसी खुशी हो रही है। हाँ लेकिन हमें टाइम ज्यादा हो गया, तकरीबन 4 बज गए हमें, हाँ। अब वहाँ ऐसा होगा कि जाएंगे खाना खाएंगे और आएंगे, ऐसा है, अब आप लोग के लिए जा रहे हैं ऐसा समझ लें, और थोड़ा हमारा भी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, जगह भी एक देख लेंगे, छोटी मोटी पिकनिक हो जाएगी, यही जिंदगी है, और संडे इसी तरह गुजारते हैं, कल फिर स्कूल काम सब कुछ जिंदगी में लग जाएंगे, तो देखते रहिए वीडियो को, इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगेगी। और आज अज्जू भाई की तबीयत खराब हो गई है हमारे, हाँ परसों साइन की खराब थी, आज हरीश की खराब है, कोई वायरस ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, पानी खराब आ रहा है या हवा में मौसम चेंज, मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसा हो रहा है, बहरहाल इंशाल्लाह सही हो जाएगा, अल्लाह पाक शिफा देगा, तो सफर को कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और आप ये मौसम एंजॉय करें। ये ड्रिग रोड का ब्रिज है और संडे को सभी निकलते हैं, तैयार ये है, संडे को सारे पिकनिक वाले घूमने फिरने वाले आम आवाम के जो है ना सारे तैयार व्यार होके नजर आते हैं, बाकी आम दिन में मोटरसाइकिलों पे अकेले अकेले आदमी दिखेंगे और कार्गो गाड़ियां दिखेंगी, आज सारे फैमिली वाले दिखते हैं, बाकी कराची की रौनक है तो माशाल्लाह 14 अगस्त आने वाला है, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, 14 अगस्त के जश्न की तैयारी में लोग मसरूफ हैं, अभी एक रैली निकल रही थी उसकी वीडियो बनाना बना नहीं सके, शारा फैसल पे बहुत लंबी रैली थी, सब गाड़ियां माशाल्लाह झंडे लहराते हुए निकले थे यहाँ से, मिली नगमे बजाते हुए शोर शराबा जश्न मना रहे थे, तो अब ये 13 अगस्त 14 अगस्त तक इंशाल्लाह ऐसा ही होता रहेगा कराची में, तो बहुत रौनकें होंगी, अगर किसी को रौनक देखनी है 14 अगस्त की तो कराची आ जाए। तो भाई ये जो राउंड अबाउट आ रहा है ये है पोर्ट कासिम का राउंड अबाउट और हमें यहाँ से राइट की तरफ जाना है, टर्न होकर राइट जाना है पोर्ट कासिम की तरफ। बहुत साल पहले गए थे, अभी हमें भी याद नहीं है, ये पोर्ट कासिम का रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे दरगाह के लिए।
हमने जो टर्न किया है पोर्ट कासिम के लिए, वहां से हम चले जा रहे हैं केवल 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। तो काफी अरसे बाद आए, और जब पहले आए थे तब भी अपनी गाड़ी से नहीं आए थे, वो उस गाड़ी में आए थे, कोस्टर में आए थे गाड़ी करवा के। तो यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, ओहो भाई, मैंने शीशे बंद कर दिए फिर भी हवा काफी तेज चल रही है। मैंने एहतियातन मैप भी लगा लिया है, कोई गलत रास्ता बताए या समझ नहीं आए तो मैप अपने पास हो। भाई पोर्ट में एंटर होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट जाते हैं और पोर्ट का गेट आता है, वहाँ पर जो है आपको चेक पोस्ट पर जो है अपनी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, आईडी दिखानी पड़ती है, और फिर थोड़ा सा आगे जाके ही लेफ्ट साइड रास्ता टर्न हो जाता है, क्योंकि हम पोर्ट की हदूद में थे इसलिए कैमरा यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर जब लेफ्ट हो जाते हैं तो पोर्ट से बाहर निकल जाते हैं और हम दूसरी तरफ सर्विस लिंक रोड पर चले जाते हैं। बस ये रोड सीधा 6 किलोमीटर चलना पड़ता है, 6 किलोमीटर के बाद मजार शरीफ का रास्ता आ जाता है। तो अब ये रोड इस तरह की है, और यहाँ पर पता नहीं है आगे कच्चा है कि पक्का है, पर इस तरह की रोड है। तो चल रहे हैं, फिर आपको और मजीद बताते हैं। भाई इस तरह का रास्ता है के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट जो है ना उसके पास से गुजरते हैं। रास्ता फिलहाल तो बहुत अच्छा बना हुआ है, अब आगे जाके आता है थोड़ा ऑफ रोडिंग आती है, तो उम्मीद है कि नहीं थोड़ा कच्चा भी आता अच्छा, है आगे और भी आएगा। हाँ मज़ार के करीब करीब जाने के लिए तो है ना, थोड़ा मुझे याद पड़ रहा है कच्चा रास्ता था। और ये देखें, ये बताएं, ये पावर प्लांट है, बड़े बड़े हैं ना ये। हाँ। देख के सर टेढ़ी हो जाता है। हम भी मैप पे जा रहे हैं, आप भी मैप पे जाइएगा। बोर्ड आता है आगे लिखा हुआ आता है हसन शाह का मजार राइट साइड, अब लेफ्ट हो जाएगा हमारा। और ये क्या खारा पानी होगा ना? हाँ समंदर का है। अब रास्ता ऐसा है, कच्चा रास्ता, ये ऑफ रोडिंग है भाई। और विक्की को याद था, मुझे तो याद भी नहीं था। पानी आया हुआ है समंदर का, ये सारा पानी आगे तक आ जाता है, सारा समंदर का पानी आया। हाँ। आगे जाके वाटर क्रॉसिंग भी होगी। अच्छा वाटर क्रॉसिंग। चले पॉइंट पे पहुंच के आपको बताते हैं, ये सारा मैंग्रोव का जंगल है, सारे मैंग्रोव दरियाई जंगल जो होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंग्रोव कहलाते हैं वो है। रास्ता आपने देखा, इस तरीके का रास्ता भी है, रास्ता सही है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है 1-2 किलोमीटर जितना। और ये मंजर है भाई, और पीछे बीच है, इस मजार शरीफ के पीछे बीच है। तो हम यहाँ कुछ करते हैं जगह, पार्किंग वार्किंग करते हैं, फिर सामान लेके चलते हैं और वहाँ पर बैठ के थोड़ा देखते हैं नज़ारे, और मज़ार पर भी सलामी दे देते। तो जी विक्की ने गाड़ी इधर पार्क कर दी, को तो नहाने की पड़ी है, मजार वहाँ ऊपर है ना अरबा? खारे पानी में कौन नहाता है, घर से मीठे पानी से नहा कर आई हो?
देखे कश्तियाँ खाएं, कश्तियाँ कितनी सारी है। साइम को मजा आ रहा है? हाँ भाई, नहीं आ रहा। क्या हो रहा है, कैसी लगी जगह? अच्छी लगी। तो ये बीच तो गायब हो गया पूरा, बिल्कुल पानी बिल्कुल उधर तक आ गया, वरना थोड़ा आगे जाने की जगह होती। असल में वो है ना, गर्मियों का सीजन है, अगस्त का महीना है, तो वह बीच तो बहुत अच्छा है, लेकिन रश बहुत है क्योंकि जगह तंग हो गई है, तो सारे करीब करीब हो गए। संडे का दिन है तो इसलिए रश। संडे भी है तो सब आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मर्जा दरगाह की वजह से ज्यादा लोग आते हैं। पानी कितना तेज है, कश्तियाँ चल रही है, इतना तेज पानी इतनी करीब में कश्ती खड़ी हुई है, तो मतलब पानी कितना ज्यादा गहरा होगा यहाँ पे। ये बीच पूरा यही होता था, थोड़ा पानी दूर होता था ना। काफी अरसे के बाद, कितने साल में, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद यहाँ पर आए तो देख रहे हैं। चले, अब अच्छी चल रही है हवा, बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। चले अभी थोड़ी देर बैठते हैं, मजार के सलामी देकर आते हैं और फिर इसके बाद खाना खाते हैं यहाँ पर। और आप लोग को अगर ये जगह अच्छी लगे तो आइएगा यहाँ पर। और रास्ता बहुत अच्छा है, रास्ता भी अच्छा है, बना हुआ रास्ता भी है और शहर के करीब भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1-1.5 घंटा लगता है। हम लोग 4 बजे निकले थे, 5 बज रहे पहुँच गए। तो भाई आइसक्रीम चाहिए उर्वा को, चले भी उर्वा को आइसक्रीम दिलाते हैं और चलते हैं मजार शरीफ पर। ये हसन शाह का मजार यहाँ पर, ये व्यू है नीचे का, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाना पड़ता है और ऊपर जाकर जो है मजार शरीफ आता है, और ऊपर से बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं आराम से मजार का, पहले मजार पे पहले सलामी दे दें, फिर इसके बाद आप ऊपर से व्यू लें, पिक्चर्स बनाएं। टाइमिंग, और ये पूरा समंदर का व्यू आ रहा है। हम इधर बैठ जाते हैं, देखिए हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है, और ये है पूरा व्यू। तो भाई बच्चे और यहीं पे बैठे हैं, और मैं जाता हूँ ऊपर मज़ार पे सलामी दे दूँ, फिर इंशाल्लाह फिर नीचे कहीं चलते हैं, वहाँ खाना खाते हैं। बीच का व्यू, अच्छा और साफ सुथरा बीच बना हुआ है, पानी भी इतना ज़्यादा तेज नहीं है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो अभी चलते हैं मज़ार के अंदर, ये रहा मज़ार शरीफ का रास्ता। तो ये मज़ार शरीफ है और इसका हम जो है अभी यहाँ से व्यू देखते हैं किस तरह, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये सारा भरा है अरब का ही पानी, मजार के ऊपर जो व्यू दिखाओ। मेरी कैप ओढ़ ली, मेरी कैप ओढ़ ली, इतनी तेज हवा चल रही है। और ये है जी, बच्चे हमारे नीचे बैठे हैं, साइम वहाँ देखे गेट पर बैठा हुआ है। तो अभी चलते हैं बस, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं बीच पर। जी तो भाई साहब आ गए हम लोग पॉइंट पे बीच पर, और ये हमारे सामने बीच है और वहाँ मज़ार शरीफ है, और यहाँ हमने बिछा लिया सेटअप अपना, और फुल VIP सेटअप, घर का खाना लेकर आए हैं, सालन चावल और चाय। तो अभी हम यहाँ खाना वाना खाते हैं, और पानी तो मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों को भेजने का, क्योंकि बच्चे पागल हो जाते ना पानी देख के, तो मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे जाके पैर गीले करके आओ, लेकिन ये समझेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है पानी में जाए नहीं, वापसी में जाते वक्त इनको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे इनके ऊपर। तो भाई बहुत अच्छा बीच है, बहुत सुकूनदेह जगह है, ज़्यादा रश भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और अच्छी जगह है, और बहुत खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर। मौसम सबसे अच्छा, जो मौसम बहुत अच्छा है आज, जिस वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, बीच भी करीब है। रात को मेरे ख्याल से पानी सारा ऊपर आ जाता है, क्योंकि सारी रेत गीली है। तो बस अभी खाना निकाल रही है बेगम साहब, और खाना खाते हैं और थोड़ी पार्टी अपनी पिकनिक एंजॉय करते हैं, और फिर घर की तरफ चलते हैं।
इसको जो है गम लगा हुआ है, पानी में जाने को मना कर दिया। और ये हमारे घर के चावल, उर्वा देखो समझदार है ना, वीडियो कर रही है। रोएगा रोएगा, रोना ना भाई, रोना ना, रोना ना भाई। पानी में नहीं जाने का दम तो देखे, इंसान ना खाना खा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना मूड अच्छा कर रहे हैं। चले जी सालन डालते हैं आप। चले जी ये सालन डाला जा रहा है। मैंने घर पे खाना नहीं खाया, इसीलिए मैंने कहा बाहर ही जाके खाएंगे। बड़ा चम्मच में लेना, भूल गई ना आप, कुछ ना कुछ तो भूलती ही हो ना, वरना घर से निकलेंगे कैसे अपन। दोनों भाई मिलकर खाओ, मुझे रख के। तो भाई मैं अभी खाना ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खाना खाता हूँ। सालन चावल की बात ही कुछ और होती है, वो भी घर का जो सालन चावल होता है गोश्त का, मेरा फेवरेट की बात ही कुछ होती है। साथ में हम ऐसे व्यू पॉइंट पे बैठे हो, इतना खूबसूरत व्यू और सामने समंदर, ठंडी ठंडी हवाएं, तो बहुत ही मज़ा डबल हो जाता है मज़ा। तो भाई मज़ा आ गया भाई, आज की पिकनिक तो बहुत छोटी सी और यादगार पिकनिक, और इतने खूबसूरत व्यूज़ के साथ। अरे भाई एक इंसान तो खाना नहीं खाया और नाराज़ होकर बैठा है, उसको नहाने जाना है पानी में, घर में इतना सारा खारा पानी आता है उसमें नहा लेना। चले भाई ये तो नहीं मानेगा, मैं खाना खाऊं। तो भाई खाना खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये व्यू चेक करें भाई, कितना खूबसूरत व्यू है। और शाम हो रही है तो अंधेरे जैसा हो रहा है, बादल भी छाए हुए, और ये सारे मेहमान आ गए। उर्वा इनको भगा रही है, ये हमें खाने नहीं दे रहे। ये देखे सारे आ गए, और भाई को भगाने में लगी हुई। तो भाई अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा यहाँ पर, लेकिन इस दफा अकील भाई हमारे साथ नहीं है, हम अकेले निकल आए थे, किसी को भी नहीं बताया। ऐसे अचानक आपको बताया ना कि हम लोग बेगम नाराज है तो थोड़ा चक्कर लगाने चले जाते, इस चक्कर में हम निकले। अब देखे पानी पीछे चला गया, सारा पानी पीछे चला गया, आहिस्ते आहिस्ते बीच आगे हो गया, तो पानी कहीं और बढ़ रहा होगा तो यहाँ कम हो गया। तो अब इस तरह ये पानी थोड़ा पीछे जाएगा और सुबह तक ये पानी फिर आगे आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा ही चलता है, समंदरी दुनिया में यही होता है। तो अब चले फिर खाना वाना समेट दें और फिर यहाँ से वापसी करते हैं। बस यही था, अब मगरिब होने वाली है, रास्ता थोड़ा सुनसान है, तो जरा जल्दी पार हो जाए तो फिर चलते हैं। और ये बेगम साहिबा दे रही है इनको, ये भी खा रहे। चाहे जरा से डालते हैं फटाक से, खत्म कर देते हैं, फौरन खत्म कर देते हैं। वो ऐसे होशियार है, सब कुछ खा जाएंगे, सब खा जाएंगे। क्या क्या इनको बोल रहे। ये आखिरी दो बोटियां पड़ी हैं तो बेगम बोल के इनको दे देते, ये अल्लाह बाबा को दे देते, ये खाएंगे। ओ ले गया, दोनों ले गया एक साथ। बहुत होशियार होते हैं अभी। नाराज इंसान लेकिन भूख के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थोड़ी देर नाराज था, देखो पानी बिल्कुल चला गया और व्यू बिल्कुल चेंज हो गया। देखे पानी कितनी जल्दी पीछे चला गया, इस जगह पे बच्चे तैर रहे थे। तो भाई सब कुछ समेट लिया और खाना पीना हो गया, बच्चे भी खड़े हो गए, निकलते हैं। चले उर्वा अच्छी जगह थी ना, फिर आएंगे। चलो साहिब उधर नहीं जाओ, अरे आ जाओ, चटाई रखना नहीं नीचे। चलो चले भाई चलते हैं अब, इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे सबके साथ। तो भाई ये उर्वा यहाँ से अमरूद ले रही है और ये मजार शरीफ है। शाम हो रही है, मगरिब होने वाली है, लेकिन अभी मगरिब में टाइम है, तकरीबन एक घंटा है, लेकिन मौसम की वजह से ऐसा हो गया है कि जैसे रात हो रही है। पूरा
अमरूद ले रही हो? नहीं, कागज दे देंगे। चल चले भाई, चलते हैं अब। ये है जी ब्लू, वो हेलीपैड भी बना हुआ है यहाँ पे। ये सारा पानी अभी पीछे हो गया, देखें ये सारे पत्थर डूबे हुए थे ना, सब बाहर आ गए। पीछे सारा कोस्ट गार्ड का एरिया जी। तो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से वापसी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम में अब अंधेरा आ रहा है। मगरिब में तो अभी टाइम है, तकरीबन आधा पौना घंटा है, लेकिन मौसम हो गया ऐसा जैसा अंधेरा। तो अब बस यहाँ से निकल रहे, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह। जितने आए थे सब वापसी कर रहे हैं, कोई कोस्टर में आया था, कोई अपनी गाड़ी से आया था, मोटरसाइकिलों पे आया था, अब ये सब वापस जा रहे हैं। तो अब हम भी निकलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो।